खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां गर्मी का सीजन शुरू होते ही बड़ी आबादी वाले शहर के आधे लोग पीने वाले पानी की किल्लत से जूझने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के घोलतीर बाजार से सामने आया है। दरअसल बद्रीनाथ राजमार्ग पर घोलतीर बाजार में विगत वर्षों में एक पीने के पानी के लिए सार्वजनिक टंकी लगभग 2 लाख की लागत से बनाई गई थी, ताकि बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय जनता को आसानी से पानी नसीब हो सके। मगर बीते 3 सालों से इस टंकी में पीने का पानी जनता को नसीब नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि जहां से इस टंकी में पानी आता था, उस जल स्रोत में आज भी पर्याप्त पानी बह रहा है, मगर जनता की प्यास नहीं बुझाई जा रही है। वही व्यापार सभा घोलतीर के अध्यक्ष प्रकाश गोरेला सहित स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 3 सालों से इस टंकी में पानी नहीं आ रहा है, जबकि जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारियों को लिखित एवं फोन से बार बार अवगत भी कराया जा रहा है, मगर कोई सुधार लेने वाला नहीं है। अब हैरान करने वाली बात भी है कि आगामी वर्ष 2024 की श्री बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जैसे प्रसिद्ध धामों की यात्रा कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाली है। ऐसे में बिना पानी के यह लाखों रुपए से बना पानी का टैंक केवल 100 पीस की तरह बना हुआ है। ये यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत टैंक बना है, 4 सालों से यहाँ पे कोई पानी नहीं है, जब ये टैंक जो है यात्रा मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे घोलतीर पे जो दुकानदार हैं, चाय वाले हैं, सब जो है दूर से पानी ला रहे हैं और जो है पानी पिलाते हैं। लोग बड़ा इलाका है यहाँ पे गांव वालों को, जो यहाँ पे आते हैं और टैंक के सामने जाते हैं, नल खोलते हैं तो नल सूखा पड़ा है। अब विभाग जो है जब भी आश्वासन देता है कि भाई कल पानी आ जाएगा, परसों पानी आ जाएगा, ना तो कोई फीटर देखता है ना तो विभाग के अधिकारी देखते हैं। अध्यक्ष व्यापार संघ घोलतीर प्रकाश सिंह गिरोला बोल रहा हूँ, और हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे पे एक पेयजल का जो यहाँ पे वो टंकी बनी हुई है, इसमें 3 साल से पानी नहीं है और ये नेशनल हाईवे पे ये बना हुआ है स्टैंड पोस्ट, और कई बार अवगत करा दिया इन अधिकारी लोगों को कि भाई यहाँ पे पानी नहीं है, लोग यात्री लोग आते जाते हैं और पानी की इस बाजार घोलतीर में कोई व्यवस्था नहीं है, और इसमें कई बार हमको आश्वस्त किया जा रहा है कि आज जोड़ रहे हैं कल जोड़ रहे हैं, रेल की वजह से पानी नहीं आ रहा, जबकि हर जगह पानी आ रहा है और हमारे बिल 3 साल से लगातार आ रहे हैं, और हमने आज शासी अभियंता महोदय को पत्र लिखे भी दिया था कि हमारे यहाँ पानी नहीं लिया जाए, हमको जो है हमसे पानी का बिल न लिया जाए, और पानी के बिल हमको लगातार आ रहे हैं और जो यहाँ और पानी 3 साल से नहीं है, परसों यहाँ पे इसमें रंग पुताई करने वाला है, तो हमने कहा इसमें जब पानी नहीं है तो रंग पुताई कर क्या करोगे, और 3 साल से लगातार हमको जो है आश्वस्त किया जा रहा है कि आपका पानी आ रहा है, रेल से पानी टूट गया, जबकि सब जगह पानी है और ये नेशनल हाईवे का मुख्य स्टैंड है और इस बाजार में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया, बद्रीनाथ राजमार्ग पर घोलतीर बाजार में विगत वर्षों में एक पीने के पानी के लिए सार्वजनिक टंकी लगभग 2 लाख की लागत से बनाई गई थी, ताकि बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय जनता को आसानी से पानी का नसीब हो सके, लेकिन जनता को पानी नसीब नहीं हो रहा है। इसी मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता सत्यपाल नेगी जी। जी सत्यपाल जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है घोलतीर बाजार का, जो कि एक मुख्य क्षेत्र माना जाता है जहां से श्रद्धालुओं का आना जाना होगा। जी मैं आपको बता दूं कि ये जनपद रुद्रप्रयाग का बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे एक मार्केट पड़ता है घोलतीर, जहाँ पे कई सालों पहले यहाँ पे जल संस्थान द्वारा एक पानी का टैंक लगाया गया था, ताकि लोगों की आने जाने वाले यात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों को पानी की सुविधा मिल सके। लेकिन पिछले 3 सालों से जो स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 सालों से इस टैंकी में पानी नहीं आ रहा है और लोग बार बार विभाग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। जब हमने इस बारे में अधिकारियों से जानने की कोशिश की है तो अधिकारी कह रहे हैं कि रेलवे निर्माण कार्य बगल पे चल रहा है, उसके कारण यहाँ की जो लाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई है। लेकिन ये बड़े गंभीर सवाल है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी विभाग उस लाइन से पानी नहीं दे पा रहा है, इससे जनता में आक्रोश भी है, लोग परेशान हैं, क्योंकि इस दौरान जैसे उत्तराखंड में आगजनी की घटनाएं और
बारिश न होने के कारण भीषण गर्मी भी बढ़ रही है, तो ये पानी का संकट लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। जी जी, तो सार्वजनिक टंकी लगभग 2 लाख की लागत से बनाई गई थी, फिर किस भाग से दिक्कत आ रही है, किस ओर से दिक्कत आ रही है? ये अभी तक जो विभाग हमको विभाग के अधिकारियों से जो मेरी फोन पे बात हुई उनके द्वारा ये बताया गया है कि रेलवे निर्माण के दौरान जो हमारी पाइप लाइन आती थी वो क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन ये सवाल आज नहीं है क्योंकि 3 साल गुजर जाने के बाद भी अगर विभाग उस लाइन को नहीं जोड़ पाया है, जबकि पानी का गधेरा बह रहा है, पानी का स्रोत पानी से भरा हुआ है और वहाँ अन्य मोहल्लों में पानी पहुंचता है लेकिन इस बाजार में पानी नहीं पहुंच रहा है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि अधिकारियों ने कल हमने बात की थी, अधिकारियों ने कह दिया है कि 2-3 दिन में हम इसमें वैकल्पिक व्यवस्था करके पानी पहुंचाते हैं। अब देखते हैं कि ये पानी कितनी जल्दी लोगों की प्यास बुझवाता है। इससे स्थानीय लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है, उनकी क्या क्या स्थिति परिस्थिति आप बता सकते हैं? जैसे कि इस लाइन से अन्य परिवार भी बाजार में रहते हैं जिनको जिनके घरों में पानी का कनेक्शन जाता था और लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा, उन लोगों ने भी अपने मोटरें लगा के और गधेरे से पानी लिफ्ट करके अपना किसी भी तरीके से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन विभाग आज भी मौन है, विभाग कार्य योजना बनाने में लगा हुआ है। हालांकि विभाग का कहना है कि हमने इसकी DPR बना के शासन को भेजी, अभी तक स्वीकृत नहीं हुई, लेकिन ये बहाना है, इस बहाने से बचा नहीं जा सकता, विभाग अपनी लापरवाही को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर इस गर्मी के मौसम में भी जहां प्रधानमंत्री हर भाषण में हर जगह कह रही है सरकार कि हमने घर में नल, हर घर नल पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, तो इस दौरान अगर घरों में पानी ही नहीं है, नल में 3 साल से पानी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है विभाग की कार्यप्रणाली पर। जी, तो जैसे कि 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, उत्तराखंड सरकार भी लगातार निर्देश दे रही है जो कि कमी पाई जा रही है, तो ये प्रशासन के संज्ञान में है मामला? जी, हमने जिलाधिकारी को भी इस बारे में आज अवगत करा दिया है, जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को कह दिया है कि वो तुरंत उस जगह पे जाके और क्या कमी है उसको जल्दी से सुधारे, लेकिन अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इस पे पानी पहुंचता है, क्योंकि 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं, कि जिस बद्रीनाथ रूट के ये पानी का सार्वजनिक रहेगा, यहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधा और तमाम लोगों को क्षेत्रीय जनता की सुविधा के लिए ये पानी का टैंक लगाया गया है। जी जी, मामले में विस्तार से जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि हमने आपको बताया, बद्रीनाथ राजमार्ग पर घोलतीर बाजार में विगत वर्षों में एक पीने के पानी के लिए सार्वजनिक टंकी लगभग 2 लाख की लागत से बनाई गई थी, ताकि बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय जनता को आसानी से पीने का पानी नसीब हो सके, मगर बीते 3 सालों से इस टंकी में पीने का पानी जनता को नसीब नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि जहां से इस टंकी में पानी आता था उस जल स्रोत में आज भी पर्याप्त पानी बह रहा है, मगर जनता की प्यास नहीं बुझाई जा रही है।